हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आई होप आप लोगों को मेरी लास्ट की वीडियो पसंद आई होगी, जो थी रामनवमी की वीडियो। तो प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा लगा बताना ज़रूर। सो इसीलिए मैं आज ना कुछ नया वीडियो लाई। काफ़ी दिनों से मैं इस वीडियो के लिए तैयारी कर रही थी कि कुछ कम ना हो जाए, कुछ कमी ना हो जाए, क्योंकि मुझे भी ब्राइड बने काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए। सो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब मैं वीडियो बनाऊँगी ना पक्का, एकदम अच्छा वाला ब्राइडल मेकअप वीडियो मैं आज आपके लिए लेके आई। तो जैसे कि मैंने अपनी शादी का लहंगा पहना हुआ है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि अपनी शादी का लहंगा मैंने आज सेकेंड टाइम पहना, तो काफ़ी अच्छी मेमोरीज ताज़ा हो गई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो नई जो दुल्हन, मेरे शादी का महीना चल रहा है तो जो नई दुल्हन है अफोर्डेबल मेकअप जो पार्लर वाली नहीं कर सकते, तो उनको बजट में मेकअप क्यों ना मैं बताऊँ। तो इसीलिए बस मैं बजट में मेकअप आज मेकअप टिप्स लेके आई हूँ। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, मतलब जैसा कि जो जो कंपलसरी ऑफकोर्स ब्राइडल मेकअप है, तो कुछ चीज़ें होती हैं कि कंपलसरी होती है, बट कुछ होते हैं कि जो मेकअप में ना बहुत हाई फाई मेकअप रहते हैं, तो बहुत सारी क्वालिटी के होते हैं, ऑफकोर्स वो भी अच्छे होते हैं, पर जो अफोर्ड नहीं कर पाते इतना हाई फाई मेकअप, तो इसीलिए बस उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला ये मेकअप वीडियो। सो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी आइस मसाज। ब्राइडल मेकअप के लिए कंपलसरी आइस मसाज है, उसके बिना ब्राइडल मेकअप इनकम्प्लीट रहेगा और थोड़ा डल भी रहेगा, क्योंकि ब्राइड को ना काफ़ी टाइम स्टेज पे ये सब में रहना पड़ता है, बिजी रहती है, तो मेकअप डल ना हो जाए। तो इसीलिए आइस मसाज ज़रूर से ज़रूर करिए, उससे ना मेकअप में के हमारा मेकअप फेस ना मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और दूसरी चीज़ की ना हमारे फेस में पसीने नहीं होते, पसीने नहीं होंगे तो फेस काला नहीं पड़ेगा। सो इसीलिए आइस मसाज ज़रूर से ज़रूर करिए। चलिए मैं वो कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ये कर ले रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप करूँगी। आज ब्राइडल मेकअप है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो मैं ये आइस क्यूब मसाज ले रही हूँ, कॉटन के कपड़े में हैंकी में ले लेना है। तो ये पहले मैं जो बनाई हुई थी ना, आज से पहले मैं आपके साथ शेयर की हूँ, तो उसी का मैं मसाज ले ले रही हूँ फेस पर। तो अच्छे तरीके से ब्राइडल मेकअप में सबसे कंपलसरी है आइस मसाज। तो मैंने अच्छे से फेस पर अपनी मसाज ले लिया है, आइस क्यूब मसाज एलोवेरा वाला जो मैंने बनाया हुआ था। तो ये देखिए बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगने लगा। इससे दो चीज़ हो गई, आइस मसाज भी हो गया, ब्राइडल मेकअप के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि मतलब अगर आप इसके बिना मेकअप करेंगे ना तो बहुत जल्दी मेकअप डल हो जाएगा। तो इससे ना मेरा दो चीज़ हुआ, एक तो आइस मसाज हो गया और दूसरा कि अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज हो गया फेस, क्योंकि एलोवेरा जेल का था। तो इसीलिए चलिए अब मेकअप स्टार्ट करती हूँ। आगे का स्टेप एज यूजुअल गुलाबरी लगा रही हूँ, थोड़ा सा लूँगी और बस जैसे मैं हमेशा लगाती हूँ ना एज अ टोनर गुलाबरी, तो वो लगा लूँगी अच्छे तरीके से। और इसको ना 2 मिनट के लिए, कुछ भी स्टेप करेंगे ना तो हमें दो मिनट, मतलब 2 मिनट ज़्यादा हो जा रहा है, बस कुछ सेकंड के लिए हमें छोड़ना है ताकि वो हमारा फेस ना अच्छे से ऑब्जॉर्व कर ले सारा कुछ। सो ये हो गया, ड्राई हो गया। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। तो प्राइमर ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। प्राइमर इसलिए ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने ना जो आइस मसाज किया ना उसमें ऑलरेडी हमारा फेस अच्छे से एलोवेरा जेल ही प्राइमर दोनों एक ही होता है, वो तो प्रोडक्ट होते हैं कि काफ़ी सारे हमें जितने स्टेप का ही कवर कर सके उतना कर सके। बट अगर जिसके पास प्राइमर नहीं हो तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फेस मॉइस्चराइज हो चुका है। तो इसीलिए तो ठीक है, मेरे पास है, जिसके पास नहीं हो तो वो स्किप कर सकता है, उसकी जगह एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे प्राइमर लगा लूँगी, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लेना है, तो बस टैप टैप करके लगाना है। मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। तो कंसीलर कहाँ गया, सारा कुछ मिक्स हो गया है। तो कंसीलर का है ये, मेरे शेड का है, तो मैं पहले ना जहाँ का डार्क एरिया है ना वहाँ पे लगा लूँगी। सो पहले ना हमें जहाँ डार्क एरिया है ना वहाँ पे हम लगा लेंगे। तो ऑफ कोर्स आईज ये अपने हम लोग ना
आईलेश के ऊपर लगा लेंगे, जैसे आई डार्क एरिया में लगा लिया आई के, मतलब और भी जगह हमें लगाना है बट पहले मैं आई मेकअप करूँगी तो इसलिए पहले लगा लिया। अब उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, पहले ये ऊपर, पहले मैं सारा कुछ आई के ऊपर अप्लाई करूँगी उसके बाद हर जगह करूँगी। तो पहले चलिए मैं आई में लगा लेती हूँ फाउंडेशन, जैसे कि ब्लैक एक्सपर्ट वही लगाती हूँ हमेशा, तो वही लगाऊंगी क्योंकि मेरा फेवरेट शेड है। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। सो मैं अब लगा ले रही हूँ फाउंडेशन कंसीलर के बाद। फाउंडेशन भी हमें अच्छे तरीके से लगाना है क्योंकि हमारा जितना बेस अच्छा रहेगा ना उतना आई मेकअप अच्छा होगा, कलर भी क्लियर कलर दिखेगा हमारे आईज़ पे जो हम लगाएंगे। सो अच्छे से मैंने ना अपने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से आई के एरिया को हमें ब्लेंड कर दिया है, टैप टैप करके ऊपर के एरिया में भी कर देना है। तो ये देखिए अच्छे से हमारा बेस तैयार हो गया है। अब इसमें मैं हल्का सा लगाऊंगी कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट भी लगाइए या कोई भी आप लूज पाउडर जो यूज़ करते हैं वो लगा लीजिए, उससे भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कॉम्पैक्ट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो रियल मतलब जो हमारा फेस रहेगा ना वो उससे मैच करेगा, तो इसलिए कॉम्पैक्ट में ज़्यादा प्रेफर करूँगी लगाना। तो अगर आप लोगों को जो लगाना है वो लगा सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसमें दो शेड था ना तो सिमर शेड यूज़ कर रही हूँ। तो अब चलिए मैं लगा लेती हूँ अच्छे तरीके से। काफ़ी देर के बाद है ना, थोड़ी देर के बाद हमारा फेस ना ऑब्जर्व कर लेता है तो मेकअप रियल दिखने लगता है। तो इसीलिए उस टाइम पे तो बिल्कुल मत डरिए कि यार ज़्यादा लग गया है, वाइट वाइट दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए मैंने ना अच्छे तरीके से कवर कर लिया है अपने कॉम्पैक्ट लगा के आई एरिया को, तो तैयार है। अब मैं चलिए मैं अपना आई शेडो रखकर, यार मैंने नया पैलेट लिया है तो आज मैं ब्राइडल मेकअप के लिए ही फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। जब से मैंने लिया है तब से मैंने ये शॉपिंग के टाइम भी मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो ये रियल है। तो मैंने ये ऑनलाइन नहीं लिया है, लोकल मार्केट से लिया है। ये मेरा था 420 का, बजट में है। सो आप लोग भी इसको ले सकते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहते मेकअप के पैसे, मतलब मेकअप के लिए, तो उसके लिए काफ़ी रिजनेबल है, मतलब मुझे रिजनेबल प्राइस मिल गया था। और ये है मिस गोल्ड कलर सीरीज़ का है, तो मेरे को भी अच्छा लगा। इसमें काफ़ी शेड्स भी है, हर शेड है, मतलब जो जो चाहिए रहता है ना वो सारे शेड मुझे मिल गए। और इसमें लिपस्टिक भी मिल गई है, ब्लशर भी है, तो मुझे काफ़ी कुछ मिल गया है, जो जो मुझे चाहिए था बहुत कुछ मिल गया। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इतने शेड बहुत कम ही मिलते हैं बजट में, तो इसलिए मैंने ले लिया। तो इसमें से मैं आज पिक करूँगी। सबसे पहले मेरा ज्वेलरी है ग्रीन कलर, तो मैं यहाँ से पिक करूँगी ये सिमर ग्रीन, प्योर ग्रीन नहीं है ये सिमर, मैं बोल रही हूँ हाँ सिमर ही ग्रीन बोल सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग, हमें लगाने से पहले इसे अच्छे से एक बार झटक लेना है ताकि एक्स्ट्रा निकल जाए। तो ये मैं ग्रीन कलर जो पिक की हूँ ना उसको पहले जो मैंने लिया हुआ है उसको अच्छे से बॉर्डर कर लूँगी इस तरीके से। तो आउटर साइड में ही लगाना है हमें ग्रीन कलर, इनर में मैं रेड शेड लूँगी तो वो भी आपको दिखाती हूँ कौन सा कलर लिया मैंने, बट अभी पहले मैं आउटर एरिया में लगा ले रही हूँ। सो अब मैंने ना, मुझे जो कलर चाहिए था ना वो मैंने अच्छे से पिक कर लिया। देखिए मुझे मेरा कलर जो मुझे मेकअप के लिए चाहिए था जो ग्रीन, वो बस मैंने कंटिन्यू करते करते तो मेरा वो कलर मिल गया। अब मैं इसमें ना बीच में फिल करूँगी रेड कलर, तो रेड कलर में मैं लूँगी, तो रेड में भी काफ़ी शेड्स हैं, मरून है, उससे डार्क है, तो काफ़ी सारे हैं। तो मैं यहाँ से लूँगी ये देखिए मरून, मतलब थोड़ा रेड, डार्क रेड है, तो ये ले लूँगी मैं। तो मैंने रेड ले लिया जो मुझे चाहिए था, उतना कलर मुझे मिल गया है, तो मैं अपने दूसरे हाथ में भी यही कलर सेम लगा लूँगी। जो मुझे कलर चाहिए था ना वो अच्छे से आ चुका है, और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे निकला होगा ना वो मैं इसको डस्ट कर ले रही हूँ अच्छे से। तो मैंने आईलेश लगा लिया, अब इसमें मैं अप्लाई करूँगी लाइनर, तो चलिए लाइनर भी लगा लेती हूँ। लाइनर मुझे ऐसे कैमरे में नहीं होगा, मुझे मिरर चाहिए होगा, तो मिरर एज अ हाइलाइटर मैं गोल्ड
मेरा जो गोल्ड हाइलाइटर है ना वो लगा लूँगी रेड कलर पे, तो थोड़ा अच्छा सा मतलब शाइन सा लगेगा। ये देखिए मैं ज़्यादा नहीं लगाऊँगी, बस बीच में लगाऊँगी रेड के ऊपर। सो मैंने रेड के ऊपर गोल्ड लगा दिया है, तो रेड एंड गोल्ड मिक्स होके ना अलग सा दिखने लगा है कलर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि आई मेकअप मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, तो अब इसके ऊपर मैं आईलैश के ऊपर मस्कारा लगा दूंगी। तो मैंने गोल्ड और ये रेड मुझे का ग्रीन सॉरी ग्रीन एंड गोल्ड अच्छा लग रहा है, बट मैं सोच रही ना एक रेड का थोड़ा सा लाइनिंग सा कर दूँ ना, तो ताकि तीनों शेड दिखे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। सो चलिए मैं कर लेती हूँ रेड का थोड़ा सा लाइनिंग दे देती हूँ। सो अब मैं एक्स्ट्रा पूरे कंसीलर लगा लूँगी हर जगह अच्छे से, इस तरीके से अच्छे से, और जहाँ हमारी डार्क एरिया है ना उसे हमें अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप मैं अभी करूँगी ना फाउंडेशन लगा लूँगी, तो फाउंडेशन मैं जैसे कि कलर हमारा लगा के हो गया है, और अब मैं यूज़ करूँगी जैसे कि मैंने एक ट्रिक लास्ट वीडियो में बताई हुई थी ना, तो वो अब मैं अप्लाई करूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना कि अंडर आई एरिया में हमें पाउडर लगा लेना है, लूज़ पाउडर जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हो वो लगा लेना है इस तरीके से। तो इससे मैंने बताया था ना कि इससे कॉन्टोरिंग भी हमारी अच्छे से मतलब ऐसा लगता है हमने कॉन्टोरिंग की है। वैसे तो आज हम ऑल ब्राइडल वीडियो है तो कॉन्टोरिंग तो बहुत ज़रूरी है करेंगे ही, बट इससे हमारा फेस ना हाईलाइट भी अच्छे से हो जाता है। सो इसीलिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ये अच्छा ट्रिक है। चलिए मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करूँगी ब्राउन शेड। तो ब्राउन शेड में मैं आई शेडो पैलेट से ही लूँगी। इस तरीके से मैं बस हल्का सा लाइनिंग कर दूँगी। तो ब्लेंडर के लिए मैं इसे जो एक्स्ट्रा मैंने पाउडर लगाया हुआ था ना वो मैं अच्छे से इसे निकाल दूँगी, तो जो एक्स्ट्रा रहेगा ना वो निकल जाएगा और जो अंदर ऑब्जर्व हो गया होगा वो रह जाएगा। सो इस तरीके से हमें ब्रश के हेल्प से करना है। तो मैंने पाउडर लूज़ पाउडर लगाया था ना, तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ना मिक्स कर लूँगी तो और अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ, तो मैं ये सिमर शेड लगाऊंगी। तो कॉन्टोरिंग के ऊपर हमें नहीं लगाना, कॉन्टोरिंग को थोड़ा सा छोड़ देना है, जहाँ पे हमने कॉन्टोरिंग किया ना वो एरिया को छोड़ देना है। इसमें से ही थोड़ा सा रेड शेड, क्योंकि लहंगा रेड है और ज्वेलरी ग्रीन है तो रेड शेड काफ़ी अच्छा सा लगेगा, पिंक नहीं लूँगी। तो मैं रेड के लिए यूज़ करूँगी यहाँ पर ब्राउन के बाजू में जो रेड शेड है ना, टमेटो रेड है थोड़ा सा, तो वो हल्का सा लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। हाइलाइटर में लगाऊंगी एज यूजुअल, इस बार गोल्डन लगाऊंगी, गोल्डन हाइलाइटर, क्योंकि मेरे जो लहंगे के साथ जो बॉर्डर वगैरह है ना सब गोल्डन है, तो आज मैं रोज़ गोल्ड नहीं लगाऊंगी, प्योर गोल्ड लगाऊंगी। सो उसके लिए मैं हमेशा की तरह फिंगर की हेल्प से लगाती हूँ। सो इस तरीके से
तो जस्ट ब्लशर के ऊपर लगाना है, और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा मिक्सअप होना चाहिए ताकि हमारा ब्लश भी हाईलाइट हो। सो इसीलिए मैं ब्लश के जस्ट ऊपर लगा के उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें कोई भी मेकअप अलग सा नहीं लगना चाहिए, इस तरीके से मेकअप करना चाहिए। सो ये देखिए मैं इसे ब्लशर में अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एरिया में थोड़ा सा गोल्ड हाइलाइटर ताकि हमारा जो आई मेकअप है ना वो भी हाईलाइट हो। तो जस्ट बस बहुत ज़्यादा पतला सा लगाना है हमें इस तरीके से। आईब्रो को अपने कलर मतलब डार्क कलर दे रही हूँ, ब्लैक शेड है। इस बार मैं ब्राउन शेड नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इतना हैवी मेकअप है कि उसमें ब्राउन शेड थोड़ा सा लाइट दिखेगा, इसलिए मैं डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ। आईब्रो को अच्छे से आईब्रो पेंसिल यूज़ कर लिया है तो काफ़ी डार्क सा हो गया। मैंने इस बार डार्क लगाया बिकॉज ब्राइडल मेकअप पर डार्क आईब्रो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डार्क शेड ब्लैक शेड लगाया है। सो मेरा ये डन है। सो ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन हो गया। अब हेयर में कुछ करूँगी हेयर स्टाइल, फिर उसके बाद टिकली वगैरह लगाना है, लिपस्टिक लगाना है, तो चलिए मैं वो सब लगा लेती हूँ। तो मैंने ये टमाटो रेड लिपस्टिक ली है क्योंकि मैंने ये भी लोकल मार्केट से ली है। सो मैंने लिपस्टिक भी लगा ली, टिकली भी लगा ली। सो अब लास्ट स्टेप है, सारा कुछ हो गया है, मेकअप फिक्सर लगाने की बारी है। तो मैं मेकअप फिक्सर भी हुडा ब्यूटी का लगा रही हूँ। सो चलिए मेकअप फिक्सर लगा लेती हूँ। सो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो काफ़ी अच्छा, एकदम अच्छा सा मेकअप लग रहा। और पता है कुछ कुछ ना, मतलब एसी नहीं है, फ़ैन मैंने चालू किया सो इसलिए स्वेटिंग भी हो रही है, बट मेरे मेकअप में बिल्कुल डिफरेंस नहीं आए हैं। सो ये देखिए मेरा फाइनल लुक है। तो चलिए फुल लुक मैं आपको रील्स में भी दिखा दूँगी, और हाँ रील्स भी बनाऊँगी। अब इतने अच्छे से तैयार हुई तो रील्स बनाना बनता है, तो रील्स प्लीज़ अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जाइए फॉलो करिए और अच्छे अच्छे रील्स देखिए। और चलिए मेरा फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। मेरा फाइनल ब्राइडल लुक। सो मैंने काफ़ी मेहनत की, मतलब बिलीव मी फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आज तक के वीडियो में जितनी मेहनत हुई है ना, सबसे ज़्यादा मेहनत आज के वीडियो में लगी है। तो प्लीज़ यार इतनी मेहनत को मेरे को प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट देना, और कैसा लगा ज़रूर बताना। पसंद आए तो एक लाना ज़रूर कि कैसा लगा वीडियो। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और काफ़ी मुझे खुद पसंद आया। और इसमें जो मैं सारा कुछ पहनी ना, सारा कुछ मेरे शादी का है। हाँ ज्वेलरी मैंने नया लिया है। सो ज्वेलरी एक चेंज है, मैंने अपने शादी में रेड लिया था तो उसको मैंने नहीं पहना क्योंकि आजकल का ट्रेंडिंग है कि रेड के साथ ग्रीन ज्वेलरी, इसलिए मैंने ग्रीन लिया है। तो प्लीज़ जैसा लगा तो बताना ज़रूर कि कैसा लगा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मेरा मेकअप लुक भी अच्छा लगा, लहंगा भी कैसा लगा, जैसा भी जो भी लगा तो प्लीज़ बताना ज़रूर। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो काफ़ी मेहनत लगी है यार, मतलब अभी 4:45 हो रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ 1 बजे से, काफ़ी मेहनत लगी है। प्लीज़ 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 मुझे मोटिवेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस। बाय बाय, लव यू।